डीएसपी के आश्वासन देने के बाद परिजनों ने शव को सड़क से हटाया। कुछ दिन पूर्व ओम प्रकाश साकेत पिता मंगल दीन साकेत जो कि भदनपुर पहाड़ दक्षिण पट्टी का निवासी है, दो दिन से लापता था। तीसरे दिन मृतक अवस्था में तालाब पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची बदेरा पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मैहर सिविल अस्पताल भेजा था। पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक के परिजनों ग्रामीणों ने कार्रवाई से असंतुष्ट होकर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। डीएसपी के आश्वासन देने के बाद तकरीबन 5 घंटे बाद फिर जाम खुला। मृतक के परिजनों ने गांव की 4 व्यक्ति अतुल शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, हेरामणि साकेत और 2 अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या इन्होंने की है और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में बंद एक आरोपी रामकरण साकेत से इन्हीं लोगों ने उसे बचाने के लिए 20,000 रुपए लिए और उसने दिया भी। यह बात बदेरा पुलिस बखूबी जानती है। रामकरण साकेत पुलिस के सामने खुद इस बात को कबूला है। पुलिस इन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है, आखिर किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है? परिजनों ने एसडीएम, डीएसपी और 6 थानों की पुलिस बल की मौजूदगी में तुरंत ज्ञापन देकर इनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की। तब डीएसपी ने उनको भरोसा दिलाते हुए कड़े लहजे में बोला कि इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इन सबको जल्द पकड़ कर इन पर कार्यवाही की जाएगी। तब परिजन माने और शव को सड़क से हटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। चार दिन में दूध का दूध पानी होगा, जो मुलजिम है सलाखों के पीछे जाएगा, इतना मैं वचन देता हूँ, सलाखों के पीछे जाएगा। भाइयों, इस निर्णय से क्या आप लोग सहमत हो? नहीं, कोई सहमत नहीं है। कोई भी देखो पढ़े लिखे पर क्या कोई ऐसी घटना कोई जी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी को सामने गोली मारी गई, कितने साल लगा? ऐसी बातें करने का क्या मतलब? प्रावधान के तहत होती है, साथ छाने पर होती है, अधिकार अभी कर देंगे, इनकी कर दी नहीं है, क्योंकि अगले आदमी को जेल भी भेजना है। सर हमको धमकाया जा रहा है। कोई नहीं धमकाया, हमारी जवाबदारी। आप धमका रहे हैं, क्या धमका रहे हैं भाई, क्या धमका रहे हैं? आपने निर्णय क्या निकाला अभी तक में? गिरफ्तारी हुई है। अच्छा बताइए, मतलब रामकरण को पुलिस हिरासत में जब लिया गया है तो आज तक कोई अभी घटना कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। जांच पड़ताल होती है, सुबह से लेकर तुम्हारे साथ है कि नहीं? सुबह से है नहीं पहले है कि नहीं है? तो हमारा इतना टाइम तो बर्बाद हो गया। सुबह से पहले सुन लो, तो पहले सुन लो। और किसी आदमी को बिना कोई सबूत इकट्ठा किए अरेस्ट करके भेज दो, जेल भी भेजना, मतलब न्यायालय में भेजना पड़ेगा। न्यायालय तो देखता ना है, न्यायालय भी पूछेगा ना भाई इसको अरेस्ट करके ले आया हो, क्या सबूत इसके खिलाफ? और कुछ टाइम तो चाहिए बयान लेने के लिए, सबूत जमा करने के लिए। सुनो, पहले डाली है अंदर है तो कबूल करना चाहिए ना, चार पांच दिन हो गए ना, कब आने में मतलब क्योंकि कानून का पालन करते हुए कार्रवाई भी करना है। मैंने तो 4 दिन का टाइम मांगा है, सब लोग थे, 4 दिन बाद अगर नहीं होता है तो आप लोग बाड़ी नहीं जलेगी, बाड़ी नहीं जलेगी, कदाचित जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जलेगी ना, बाड़ी यही रहेगी, बाड़ी नहीं मिलेगा जब तक दोषियों को और हिरासत में नहीं दिया जाएगा, पूछताछ के लिए एफआईआर नहीं की जाएगी, तब तक यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं है। तैयार है कि नहीं? जिसके ऊपर एलिगेशन जो लगा रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत? अरे एक एक को बात करे तो ना यार, ये बताइए उनका वहाँ वो क्यों गए वहाँ, अतुल प्रशांत क्यों गए वहाँ? सब बिक गई है, सब बिक गई है। रामकरण के साथ जो जो शामिल है उनके एफआईआर दर्ज न होगी तो हम अगर तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे।
किसका बना था? पब्लिक के बनाए मैंने हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या? मेरा संतोष नाम है। संतोष। और बड़ा भाई क्या? मैं बड़ा भाव मेरा सग्गा भाई को मना। मैं इनको मैं वहाँ से घर ले जाने के लिए बोला हूँ, यहाँ हेरा गए हैं। साहब क्या कहते हैं, क्या आप क्या कहते चाहते हो? शुरू से बोलिए, शुरू से बोला। देखो भाइयों, हमारा जो भाई है 6 तारीख से लापता है। कैसे लापता है? उसको रामकरण नाम का एक आदमी, रामकरण साकेत, अपने ही बस्ती मोहल्ले का है, वो उसको लेकर चला गया रात करीब 10 बजे। और उस रात से हमारा भाई वापस नहीं आया। ठीक है, हमने रात को इंतजार किया, शायद कहीं हो, कहाँ किसी काम से गया हो, लेकिन वो वापस जब रात भर नहीं आया तो सुबह से हम उसकी तलाश करने लगे। जब तलाश किए तो बिल्कुल नहीं मिला। और हम कल तक तलाश जारी रखे। और रात में करीब 8 बजे उसकी डेड बॉडी मिलती है तालाब में। तालाब में पानी थोड़ा सा भरा है, वहाँ डेड बॉडी मिली। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमारे भाई का कत्ल किया गया, मर्डर किया गया ना, सीधे किया गया है ना। और एक संदिग्ध व्यक्ति को जब रामकरण को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, तो पुलिस को उसके पूछताछ करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। यदि पुलिस पूछताछ की होती तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता कि नहीं? निकलता, नाम भी बताता वो पुलिस जिस आदमी से। कुछ भी नहीं है हमारे सामने, कुछ नहीं है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन भीगा हुआ है। और जब हम लोग, क्या हुआ है, जब उस दिन हम फिर FIR कल दर्ज कराने गए थे, तो वहाँ अतुल शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, हीरामणि साके वहाँ मौजूद थे। उनके साथ में 2 और चम्मच थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। तो ये लोग उसको बचाने के उद्देश्य से गए थे। इसका मतलब ये है कि अतुल शुक्ला, प्रशांत शुक्ला ये जानते हैं कि कातिल कौन है, सही है, लेकिन बताते नहीं, इसलिए वो बचा रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि रामकरण ने 20,000 रुपया दिया है खुद बचने के लिए, और ये लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं बचाने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब या कि ये स्वयं कातिल है, अतुल शुक्ला, प्रशांत शुक्ला स्वयं कातिल है। किसको दिए हैं पैसा? 20,000 अतुल शुक्ला को दिए हैं पैसा। कौन दिया है? ये रामकरण दिया है। रामकरण स्वयं बयान दर्ज कराया है पुलिस के सामने। अब पुलिस चाहे झूठ बोल दे और चाहे सही, चाहे वो स्वीकार, पुलिस, मैं तो जानता हूँ कि वो बोल देगी कि हमने नहीं।